न्यूज हिंदी लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। जरूरत 500 करोड़ का माल मिल रहा 150 करोड़। सीबीएसई 9वीं और 10वीं रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी। दीपावली फटाका बिक्री पर रोक नहीं, एससी ने शर्तों के साथ दी मंजूरी। ऑनलाइन बेचने पर अवमानना। अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका की कड़की से वाकिफ है, ऐसे में मनपा से जुड़े विकास कार्य के ठेकेदारों का भुगतान, कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्तियों का पेंशन सहित उस पर भारी पड़ गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं और 10वीं की क्लास की रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया। सभी स्कूलों को निर्धारित शेड्यूल के अंदर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। 12 नवंबर तक ₹1000 लेट फीस के साथ खुद को पंजीकरण करना पड़ेगा। फटाकों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने देश में कुछ शर्तों के साथ फटाका बिक्री को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटाकों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर लागू होंगे। दीपावली के अवसर पर फटाके के रात को 8 बजे से 10 बजे तक चलाया जा सकता है। यह समय सीमा पूरे देश पर लागू की गई। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।